दोस्तों, आज हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड का पहला पार्ट करा चुके हैं, दूसरा पार्ट कर रहे हैं। गुणनखंड करना सीखेंगे पार्ट टू। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छ, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कॉमन लेना रहता है, तो इसको लेकर दो संख्या ऐसा खोजना है कि गुणा करने पर छः आए और जोड़ घटा कर पाँच आए, तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ कर छः आना है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। छः का एलसीएम होता है दो गुणे तीन, तो यहाँ पर लिखेंगे दो गुणे, यहाँ पर तीन रहेगा, तीन बराबर छः, तो दो प्लस तीन बराबर पाँच, तो इसको लिख देंगे दो एक्स प्लस तीन एक्स बराबर पाँच एक्स। और फिर फाइव एक्स की जगह पे टू एक्स प्लस थ्री एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस छः। अब कॉमन लेते हैं इसमें से, तो अब इसको खंड के रूप में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स गुड़े एक्स प्लस टू गुड़े एक्स प्लस तीन गुड़े एक्स प्लस छः को लिख सकते हैं दो गुड़े तीन, दो गुड़े तीन। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, तो इन दोनों में सेम सेम क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लेंगे। इस यहाँ इधर क्या बचा, एक्स बचा बीच में प्लस, यहाँ पर टू, फिर यहाँ पर प्लस देंगे। इन दोनों में क्या है, तीन है, तो यहाँ पर तीन लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक्स बचा प्लस दो, दोनों सेम सेम आ जाएगा, सवाल सही रहेगा। देखिए सेम सेम आ गया। फिर इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस टू, फिर इस ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है टू एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स प्लस चौदह, तो इसको ये चौदह है, यहाँ पर दो है, तो चौदह में दो से गुणा करेंगे, तो चौदह दुना के अट्ठाईस, तो अट्ठाईस को ऐसी संख्या में, दो ऐसी संख्या में विभाजित करना है कि गुणा करने पर अट्ठाईस आ जाए और जोड़ कर या घटा कर ग्यारह, यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ कर ग्यारह, अगर माइनस रहेगा तो घटा कर, तो फिर हाल में प्लस है तो यहाँ पर जोड़ कर ले आएंगे। तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, दूसरे कटाएंगे चौदह, दूसरे कटाएंगे सात सात। अब इसको गुणा करेंगे दो गुणे दो गुणे सात बराबर के इतना लिख लेंगे। फिर इसको लिखेंगे दो गुणे दो दुना के, ये पहले इन दोनों में गुणा कर लेंगे, चार गुणे सात बराबर सचौक अट्ठाईस, इसको जोड़ेंगे चार एक चार प्लस सात बराबर ग्यारह, तो फोर, तो इसको लिख सकते हैं ना फोर एक्स प्लस सेवन एक्स बराबर बराबर ग्यारह एक्स। ग्यारह एक्स की जगह पर ये लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस चौदह। अब इसको खंड के रूप में लिखेंगे, तो दो गुड़े एक्स यहाँ पर दो बार एक्स है, स्क्वायर है, तो दो बार लिखेंगे, प्लस दो गुड़े दो एक्स है तो एक्स प्लस सात गुड़े एक्स प्लस दो गुड़े सात। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इनमें सेम सेम क्या है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा टू एक्स, यहाँ पर बचा एक्स, बीच में प्लस है, प्लस यहाँ पर बचा टू, फिर यहाँ पर प्लस देंगे। इन दोनों में क्या है, सेम सेम सात है, तो यहाँ पर सात लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक्स बचा प्लस टू, फिर दोनों सेम सेम आ गए, तो सवाल सही है, तो इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस टू इस ब्रैकेट में टू एक्स प्लस सेवन। दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए नए गुणनखंड के साथ। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।